नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ भावना। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। गुजरात और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें, इस दौरान गुजरात और मध्य प्रदेश में हुई 14 लोगों की मौत। आगे भी 3 से 5 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने का लगाया जा रहा है अनुमान। साथ ही महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के किनारे बने कई मंदिर पानी में समा गए। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश, जहां मौसम बदला लेकिन सड़कों पर लग गया भारी ट्रैफिक जाम। बता दें, तापमान में कमी आई और मौसम हुआ सुहावना। बारिश होने की वजह से लोगों को उमस और गर्मी से भी राहत मिली। केरल में आरएसएस के दफ्तर में फेंका गया बम। बता दें, इस दौरान इमारत की खिड़की के शीशे टूटे। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद यात्रा स्थगित कर दी गई। शाम 5:30 पर बादल फटा। बता दें, हादसे के वक्त गुफा के पास करीब 10,000 श्रद्धालु थे मौजूद। एनडीआरएफ ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 2 मंजिला मकान की दीवार गिरने से 2 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक पुणे के नानापेट में 2 मंजिला मकान की दीवार गिरी है। भारी बारिश के कारण नासिक की कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी न्यूज़ नेटवर्क।